जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कल नई वीडियो लेकर आएंगे टाउन प्लानिंग की, और सीएस स्पेशल से पहले ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो टाउन प्लानिंग का टॉपिक करने वाले हैं, कैन यू पीपल गेस फ्रॉम दिस पिक्चर व्हाट्स इट? यस, इट इज जेंट्रिफिकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन क्या होती है, इसके कॉजेस क्या हैं, इम्पैक्ट क्या हैं, ड्राइवर्स क्या हैं, और आपके लिए इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू मिटिगेट दोज नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द जेंट्रिफिकेशन। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जेंट्रिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो जेंट्रिफिकेशन क्या है? नेबरहुड के करेक्टर का चेंज होना। किस लिए चेंज होना? क्योंकि वहाँ पर मिडल इनकम या हाई इनकम लोग जो है वो बड़ी तादाद में आकर बस जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑलरेडी वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। वो क्यों डिस्प्लेस होते हैं? क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो जाती है, उनके जो कल्चरल पैटर्न्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, वहाँ पर की सोशल लाइफ डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इस फिनोमेना को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? रूथ ग्लास ने। रूथ ग्लास कौन थी? ये एक सोशियोलॉजिस्ट थी, और न्यूयॉर्क के शहर में उसने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि न्यूयॉर्क के नेबरहुड में बहुत जल्दी जो है वहाँ पैटर्न चेंज हो रहा है, लैंडस्केप चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारी क्लास, वर्किंग क्लास डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये एक प्रोसेस जो है ये इनएविटेबल है, यू कैन नॉट स्टॉप दिस प्रोसेस। कि जब भी सिटी ग्रो करता है तो एक पीक तक ग्रो होती है, उसके बाद वो अपने सब अर्थ में ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, तो आगे हम इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनी है जिसमें आप जेंट्रिफिकेशन के प्रोसेस को देख सकते हैं। जेंट्रिफिकेशन के प्रोसेस में कुछ ड्राइवर्स होते हैं और एक प्रोसेस होता है, और प्लस यहाँ पर फिर आप देख लें कि एक आउटकम होता है इसका। ठीक है, ड्राइवर्स में कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि जेंट्रिफिकेशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि फेवरेबल होती हैं तो जेंट्रिफिकेशन होती है, और फिर कुछ जेंट्रिफायर्स होते हैं जो कि आम लोग होते हैं। ठीक है, तो भाई आप देखें सबसे पहले कॉजेस क्या होती हैं जेंट्रिफिकेशन के। जो ड्राइवर्स हैं उसमें क्या चीज है, अनेबलिंग कंडीशंस क्या होती हैं? अनेबलिंग कंडीशंस ये हैं कि जिस एरिया के अंदर जेंट्रिफिकेशन हो रही है वो एरिया, वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल है। फैसिलिटीज अवेलेबल है, फैसिलिटीज कौन सी? फॉर इंस्टेंस वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, गैस के कनेक्शंस हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस हैं। ठीक है, यानी उस एरिया की एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उस एरिया के अंदर बेसिक एमिनिटीज जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, फिर उसके अलावा वो किसी सिटी के सब अर्ब में हो। वो सिटी सब अर्थ में होगा तो वहां ज्यादा चांसेस है जेंट्रिफिकेशन के। ठीक है, तो अनेबलिंग एनवायरनमेंट में क्या है कि वहां की जो लैंड है वो अवेलेबल हो सबसे पहले तो, ठीक है, फिर वहां पर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हों, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन रूट्स होने चाहिए अगर आपने बिजनेसेस वहां पर अपने सेट करने हैं तो। इंडिविजुअल हाउसिंग के लिए खैर ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये ड्राइवर्स हो गए जेंट्रिफिकेशन के। एजेंट्स कौन से होते हैं? एजेंट में आपके पास बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, उसके अलावा रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो लेमैन पीपल होते हैं ये भी जेंट्रिफिकेशन कॉज करते हैं। जो बिजनेसमैन हैं, रिटेलर्स हैं, ये क्यों ऐसे एरियाज में शिफ्ट होते हैं? कि यहाँ कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो रिलेटिवली लो होती है।
अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, कंपटीशन कम होता है, ठीक है। लेमैन पीपल क्यों जेंट्रिफिकेशन को प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो मेन सिटी है उसमें कंजेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, पोल्यूशन ज्यादा हो जाती है, वो वर्टिकल ग्रोथ से तंग आ जाते हैं, कंजेस्टेड एरिया से तंग आ जाते हैं, लार्ज लिविंग स्पेस चाहिए इनको। इसको आप कल्चरल प्रेफरेंस भी कहते हैं। तो इस वजह से ये लोग उस नेबरहुड के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब होता ये है कि एक सिटी ग्रो करना शुरू करते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अराउंड, ठीक है। जब हम ग्रोथ के मॉडल करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि किस किस तरह से सिटी ग्रो करते हैं। एनी हाउ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अराउंड सिटी ग्रो करना शुरू करता है। यहाँ पर बिजनेसेस होते हैं आपके सारे, इन्वेस्टमेंट, इसके करीब रिटेल शॉप्स होती हैं, फिर इसके अराउंड हाउसिंग डेवलप होती है। बट होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस एरिया के अंदर जो कॉस्ट होती है वो हाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जाहिर है सप्लाई कम होगी और उसके साथ साथ यहाँ कंपटीशन भी इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि लोग इस सिटी के सब अर्ब में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, अपने बिजनेसेस, अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। और जो आम लोग हैं, लेमैन हैं, वो क्यों शिफ्ट होते हैं सब अर्ब में, उसकी भी रीजन ये होती है कि सिटी कंजेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, फिर कल्चरल प्रेफरेंस होती है लिविंग लार्ज लिविंग स्पेस की, तो इसलिए भी लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक सिटी जब ग्रो करता है तो उसके सब अर्ब में हमेशा जेंट्रिफिकेशन जो है वो इनएविटेबल हो जाती है। अभी हम देख लेते हैं कि इम्पैक्ट्स क्या होते हैं जेंट्रिफिकेशन के, ठीक है। तो जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे होते हैं लोग, उनके ऊपर इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं और कल्चरल इम्पैक्ट होते हैं। इकोनॉमिक में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग उनके लिए इंक्रीज हो जाती है, जितनी एमिनिटीज हैं उनकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी जो है वो उनकी कम हो जाती है, लैंड जो है कॉस्ट ऑफ लैंड वो हाई हो जाती है, रेंटल प्राइसेस वो हाई हो जाती है। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है कि जाहिर है कि जब एक बिल्कुल डिफरेंट लिविंग क्लास वहाँ आके रहना शुरू होगी तो सोसाइटल नॉर्म्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सोशलाइजेशन के मेथड, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो लो इनकम पीपल होते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ के रेजिडेंट होते हैं, वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, ठीक है। अब इस सब की वजह से उनके ऊपर हेल्थ इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। फिर सोशल इम्पैक्ट में एक ये भी है कि आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब रिएक्शनरी तौर पर वहाँ क्राइम्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि देखें कि जब यहाँ पर बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं तो बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज भी आएंगी, ठीक है, बेटर जॉब्स भी आएंगी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये फैसिलिटीज, ये जॉब उन लोगों के लिए हो ना जो वहाँ पर नेटिव्स होते हैं, तो तब आप कहते हैं कि वो लोग इम्पैक्ट नहीं हो रहे। लेकिन मोस्टली ये होता है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आ जाता है, जो लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं वो इन चीज़ों को भी टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कल्चरल इम्पैक्ट को, तो देखें कि जिस एरिया के अंदर जेंट्रिफिकेशन हो रही है उसका करेक्टर टोटली चेंज हो जाता है। वहाँ पे अगर कोई हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। वहाँ पर जो है लिविंग स्टाइल, फूड, एंटरटेनमेंट,
ठीक है, ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं और वहां क्या हो जाती है, कमर्शलाइजेशन हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह जेंट्रिफिकेशन जो है वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह से कि जाहिर है इकोनॉमी आपकी, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, सिटी जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, लोग वेल ऑफ होते हैं, लोगों के लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं, और अगर वहाँ पर लो मीडियम इनकम हाउसिंग के लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटीज भी होंगी। लेकिन ये है कि मोस्टली वहाँ का जो नेबरहुड करेक्टर है चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोग डिसप्लेस हो जाते हैं। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड में आपने ये करना है कि आपने हमेशा इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है। अगर किसी भी एरिया के अंदर जेंट्रिफिकेशन का खतरा है, वहाँ पर आपने इंश्योर करना है कि उस डेवलपमेंट के नतीजे में कोई कम्युनिटी वहाँ से डिसप्लेस ना हो, बल्कि उनको भी इस डेवलपमेंट का पार्ट बनाया जाए, ताकि हम बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकें। अदरवाइज जेंट्रिफिकेशन जो है ये कोई नेगेटिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है, और ये इनएविटेबल है सिटी की ग्रोथ के लिए।